जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा है सीआरपीसी में 12 इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, जिसमें कि हमने 154 से लेकर 164 तक कर लिया है। आज हम जानेंगे सीआरपीसी सेक्शन 165 क्या कहता है, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर द्वारा सर्च कैसे किया जाएगा। ठीक, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये क्या कहता है। क्लॉज वन, व्हेन एवर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग that anything necessary for the purpose of an investigation into any offense which he is authorized to investigate may be found in any place within the limit of the police station of which he is in charge or to which he is attached and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay. Such officer may after recording in writing the grounds of his belief and specifying in such writing so far as possible the things for which search is to be made, search or cause search to be made for such a thing in any place within the limits of such a station. इसमें कहा जा रहा है कि डायरेक्ट मीनिंग पकड़ेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसीलिए आप सीधा सीधा जानिए कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को, जो पुलिस ऑफिसर उस पुलिस स्टेशन जिसके अंदर में है वो, या तो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो, अगर उसको ऐसा लगता है, उसको एक ग्राउंड मिल रहा है, एक रीजनेबल ग्राउंड मिल रहा है कि कोई भी चीज़ जरूरी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसके लिए वो ऑथराइज है, जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वाला ऑथराइज है, जिस भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसको ऐसा लगता है कि उस इन्वेस्टिगेशन में पर्पस है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसको कुछ भी चीज़, ठीक है, फाउंड इन एनी प्लेस, किसी जगह पर मिल सकता है कुछ, हाँ, या तो वो जो जगह पर उसको चीज़ मिलेगा, ठीक है, तो वो जगह या तो विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन, या तो जिस पुलिस स्टेशन का वो चार्ज है उसके अंतर्गत आता है, उसके जरिस्डिक्शन में आता है, या फिर और विच ही इज इन चार्ज और टू विच ही इज अटैच्ड, और या तो फिर उस पुलिस स्टेशन से कोई दूसरा स्टेशन अटैच्ड है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एंड दैट सच थिंग कैन नॉट इन हिज ओपिनियन बी अदरवाइज ऑपरेट विदाउट अनड्यू डिले, और वो चीज़ नहीं हो सकता अगर यहाँ पर बिना मतलब का देरी किया जाए तो, यानी जल्द से जल्द करना है, एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद सच ऑफिसर मे आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, अब द ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीव, ठीक है, अब वो क्या करेगा, इतना कुछ तो वो कर सकता है, उसके बाद अगर उसको ऐसा जांच करना है उस जगह का, सर्च करना है, तो वो रिकॉर्डिंग करेगा, राइटिंग में लिखेगा, ग्राउंड्स लिखेगा कि वो ऐसा क्यों उसको ऐसा लगता है, वो स्पेसिफाई करेगा कि ऐसा क्यों लगता है उसको, हाँ, और जहाँ तक हो सके, सो फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके, वो किस चीज़ के लिए सर्च कर रहा है, हाँ, सर्च मतलब किस चीज़ को ढूंढने जा रहा है, उस चीज़ भी वो अपने रिकॉर्ड में लिखे, और सर्च और कॉल सर्च टू बी सर्च, और वो क्यों करने जा रहा है, क्या ज़रूरत है उसका, अगर हो सके, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से रखिएगा, सो फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सकेगा, जरूरी नहीं कि वो लिखेगा, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा वो किस चीज़ का सर्च करने जा रहा है और किस बात मतलब क्यों जा रहा है, वो चीज़ वो लिखेगा। और वो उस सर्च कहाँ कर सकता है, किसी भी एरिया में सर्च कर सकता है, हाँ, जो भी उसके ज्यूरिक्शंस के अंदर आता है, जो भी उसके विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन, उस स्टेशन पुलिस स्टेशन के अंदर में जो भी एरिया है वहाँ पर वो सर्च कर सकता है। ये तो हमने लाइन टू लाइन जाना, अब आप एक बार पूरा जानिए कि कोई भी सिंपल वर्ड में कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, या तो जो उस केस का इन्वेस्टिगेट कर रहा है, या फिर जो पुलिस स्टेशन उसके चार्ज में, या तो कार्यभार दिया गया होगा, या तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको बना दिया होगा, या जिसके चार्ज में अगर पुलिस स्टेशन है वो तो ऑफकोर्स कर ही सकता है 156 के अंदर में, तो वो क्या करेगा, जो ऑथराइज इन्वेस्टिगेट करने का, उसको ऐसा लगता है कि किसी जगह पर सर्च करना जरूरी है, या कैसा जगह कैसा होगा, विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन, या उसके स्टेशन में, या उसके स्टेशन से अटैच जगह पर अगर वो सर्च करना चाहता है तो वो कर सकता है, हाँ, लेकिन अब उसको लगता है कि देरी नहीं कर सकते, जब तक सर्च वारंट लाएंगे, ये लाएंगे फलाना ढिमका, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, डिले नहीं करना चाहता, तो वो ऑफिसर क्या करेगा, खुद ही एक राइटिंग में ग्राउंड रिकॉर्ड करेगा कि मैं क्यों सर्च कर रहा हूँ। पहली बात ये मैंडेटरी है कि वो ग्राउंड लिखेगा, स्पेसिफाइड करेगा कि उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो चीज़ वहाँ पर मिलेगा, और उसके आगे लिखा हुआ है सो फार एज पॉसिबल, अब जहाँ तक हो सकेगा किस चीज़ के लिए सर्च कर रहा है, क्यों सर्च कर रहा है, क्या जरूरत है, ये सब भी वो मेंशन करेगा, और तो वो किसी भी जगह पर सर्च कर सकता है जो उसके स्टेशन के लिमिट में है। ये हो गया सिंपल वर्ड, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लॉज टू बोल रहा है, ए पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सब सेक्शन 1 शैल इफ प्रैक्टिसेबल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन। इसमें कहा जा रहा है कि जो क्लॉज 1 में हमने पढ़ाया, जहाँ तक हो सकेगा,
यहाँ पर शैल का भी प्रयोग है और इफ प्रैक्टिसेबल भी है, यानी कि अगर वो आदमी वहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ तक हो सकेगा वह आदमी खुद ही, जो ऑफिसर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो खुद ही जांच करेगा, यानी खुद ही सर्च करेगा, किसी दूसरे को नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ पर इफ प्रैक्टिसेबल लिखा हुआ है, इसीलिए आगे शायद हमको कुछ नया मिलेगा। उसके बाद थर्ड बोलता है, इफ ही इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन एंड देयर इज नो अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक द सर्च प्रेजेंट एट द टाइम, ही मे आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग इज रीजन फॉर सो डूइंग रिक्वायर एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक द सर्च एंड ही शैल डिलीवर टू सच सबऑर्डिनेट ऑफिसर एंड ऑर्डर इन राइटिंग स्पेसिफाइड द प्लेस टू बी सर्च एंड सो फार एज पॉसिबल द थिंग्स फॉर विच सर्च इज टू बी मेड एंड सच सबऑर्डिनेट ऑफिसर मे देयर अपॉन सर्च फॉर सच थिंग इन सच प्लेस। ठीक है, इसमें है क्या थर्ड, जैसे हमने आगे बोला था कुछ नया मिलेगा, तो यहाँ पे नया मिला, जहां तक हो सकेगा वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद ही मतलब सर्च करेगा। और थर्ड में कहा गया कि अब वो खुद प्रेजेंट नहीं है सर्च करने के लिए, उसको इन्फॉर्मेशन है, सर्च करना चाहता है, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता, या तो फिर जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है, जो कॉम्पिटेंट एक ऑफिसर है, वो भी प्रेजेंट नहीं है उस टाइम में, तो वो क्या कर सकता है, राइटिंग में रिकॉर्ड करके रीजन कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, वो एक अपने सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट ऑफिसर को मतलब सर्च करने के लिए बोल सकता है। लेकिन पहली बात तो वो रिकॉर्डिंग राइटिंग में करेगा कि रीजन वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों भी दे रहा है सबऑर्डिनेट को। हाँ, पहली बात तो सर्च क्यों कर रहा है वो मेंशन करना होगा, उसके बाद वो क्यों दे रहा है ये करना होगा, और उसके बाद एंड ही शैल डिलीवर टू सच सबऑर्डिनेट ऑफिसर एंड ऑर्डर इन राइटिंग। अब वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को क्या करेगा, राइटिंग में एक ऑर्डर लिख कर दे देगा। वहां पर वो जो प्लेस है जहां पर सर्च करना है वो स्पेसिफाइड होगा, और जहां तक हो सके किस चीज के लिए सर्च करने जा रहा है, हाँ, और क्यों जा रहा है, ये भी उसको वहां पर स्पेसिफाइड कर सकता है, जहां तक हो सकेगा तो वो करेगा। एंड सच सबऑर्डिनेट ऑफिसर में देयर अपॉन सर्च फॉर सच थिंग इन सच प्लेस, और जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर जिसको ऑर्डर दिया गया है वो जाकर उस चीज को उस जगह पर ढूंढेगा, सर्च करेगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। फोर, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एज टू सर्च वारंट एंड द जनरल प्रोविजंस एज टू सर्चेस कंटेंट इन सेक्शन 100 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू अ सर्च मेड अंडर दिस सेक्शन। और इसमें कहा जा रहा है कि जो भी सर्च वारंट है, ठीक है, जनरल प्रोविजन का, तो जो भी उस सर्च वारंट में, मतलब सर्च वारंट में जो होता है, यहाँ पर तो वारंट नहीं है उसके पास, सर्च वारंट अपना अपने पावर पे चला गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो जहां तक हो सकेगा उससे वो क्या करेगा, उसका एक मेमोरेंडम तैयार करेगा कि सर्च में क्या क्या मिला, यानी सेक्शन 100 अगर बता रहा है, 100 के हिसाब से अगर कंटेंट को बताना है, तो यहाँ पर क्या है कि एक मेमोरेंडम बनेगा। उस मेमोरेंडम में बनने के बाद उसमें स्पेसिफाइड किया जाएगा कि इस ये चीज मुझे सर्च करने से मिला है और इसका ये काम है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यानी सेक्शन 100 अप्लाई होगा इस सर्च में भी। उसके बाद 5 बोल रहा है, कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 शैल फॉर विच बी सेंट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट इम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड द ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस सर्च शैल ऑन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट विथ कॉपी ऑफ द सेम बाय द मजिस्ट्रेट। इसमें कहा जा रहा है कि जो कॉपीज है, अब जो भी सर्च हुआ, मेमोरेंडम हुआ, सब कुछ हुआ, सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 3 में, सबसेक्शन 1 में वो आदमी खुद ही कर रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट खुद ही किया था, सर्च किया था, और थर्ड में वो अपने सबऑर्डिनेट से करवाया था, तो जो भी हो, तो वो लोग क्या करेगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो कि उसका कॉग्निजेंस ले सके, वैसे ऑफिस का कॉग्निजेंस लेने के काबिल हो जो मजिस्ट्रेट, उनको क्या किया जाएगा, ये भेज दिया जाएगा, तुरंत भेज दिया जाएगा। और जो ऑनर है, जिसके घर पर सर्च किया गया, जो ऑक्यूपायर है, ऑक्यूपायर मतलब जो लीज पे ले सकता है, रेंटर हो सकता है, जो भी हो, तो जो भी प्लेस को सर्च किया गया है वो उसको एक, अगर वो एप्लीकेशन देता है तो, अगर वो एप्लीकेशन नहीं देता है तब नहीं। यहाँ पर लिखा है सेल ऑन एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन देता है वो ऑक्यूपायर या फिर ऑनर, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी दे दिया जाएगा, जैसे कि मजिस्ट्रेट सर को भेजेगा वैसे ही इसको भी सेम एक कॉपी भेज दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में 166 पढ़ेंगे, 166 ए पढ़ेंगे, 166 बी पढ़ेंगे। हाँ, 166 बोल रहा है कि अगर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो बाहर कैसे इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद अगर इंडिया से बाहर कैसे हो,
और इंडिया के बाहर अगर अपना आदमी कोई अपराध कर देता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, अगले वीडियो में हम वही जानेंगे 166 से लेकर 166 बी तक, और कहां तक जानेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। अभी फिलहाल यहां पर वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।